जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं तोरई की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो कि गर्मी के मौसम में बहुत ही लाभदायक होती है। इसका सेवन पाचन को सुधारता है, शरीर को ठंडक प्रदान भी करता है। इसके लिए मैंने आधा केजी तोरई ले लिया है, उसको ऊपर से छील लिया है और फिर इसको काट लिया है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उसमें 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है, 8 से 10 लहसुन की कली काट करके डाल दिया है। लहसुन थोड़ा पकने देंगे, इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। एक बड़ी साइज का प्याज लिया है, उसको काट करके डाल दिया इसमें। इन सबको 1 मिनट ही भूनेंगे, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। इसमें तोरई डाल देंगे कटी हुई, मैंने मूंग की दाल को साफ करके धो लिया है और 5 मिनट के लिए भिंगो कर रख दिया है। वो 2 चम्मच मैं मूंग की दाल इसमें डालूंगी। इससे सब्जी बहुत अच्छी हो जाती है, खाने में भी टेस्ट बढ़ जाती है। मिर्च डाल दिया, हरी मिर्च है ये, और नमक हल्दी डाल करके इसको भूनेंगे। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि ये तोरई में बहुत पानी होती है, जो कि बाद में गल जाता है, सब्जी कम हो जाती है, इसलिए नमक कम डालेंगे। नमक हल्दी डाल करके इसको ढक दिए हैं और इसको पकाएंगे। पहले भूनते भूनते ही ये मूंग की दाल अच्छे से बॉईल हो जाती है। अब इसमें 1 चम्मच मैं सब्जी मसाला डालूंगी। ये घर की बनी हुई सब्जी मसाला है, जो पहले मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ सब्जी मसाला का। इसमें सब कुछ है, धनिया, जीरा, सौंफ, सब कुछ है। ये तैयार हो गया, इसे हरा धनिया से सजाएंगे, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इस तरह से ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही, रोटी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए। वीडियो के अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।